तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों, आज की वीडियो में कई सारी जो है वो फुटबॉल की खबरें, बहुत मजेदार नेमार से रिलेटेड खबर आई है। मोर ओवर वी आल्सो गोना टॉक अबाउट विनिशियस जूनियर के ऊपर हुए हैं रेसिज्म के इंसल्ट्स, जिसके चलते कल बहुत बवाल हुआ रियल मैड्रिड के पिच पे, क्या कहानी थी आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। मोर ओवर वी आल्सो गोना टॉक अबाउट अर्जेंटीना की लीग्ड जर्सी फॉर अपकमिंग कोपा अमेरिका, उसको भी देखते हैं। गुंडोगान की क्या है फ्यूचर, साथ ही साथ मैसी का क्या रिपोर्ट चल रहा है बार्सिलोना से रिलेटेड। तो कई सारी बातें हैं, फटाफट बिगिन करते हैं। लाइक टारगेट क्वाइट सिंपल, 2.5K लाइक्स आप लोग लगातार रोज करवा रहे हो, आज भी उम्मीद रखता हूं आप लोग करवा ही दोगे। प्लस आईपीएल में भाई मैं विराट कोहली 100 रन मार के बाहर हो गए, इतनी गंदी किस्मत कैसे किसी की हो सकती है यार। ठीक है चलो, ठीक है अब भाई देखो कोहली भाई बाहर हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी अपन तो हाँ मतलब कोहली के चलते ही देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है मेरे को क्रिकेट आईपीएल में। लेकिन अब मेरा सपोर्ट जो है वो माही भाई को है, अब आखिरी साल है माही भाई का कह रहे हैं लोग, तो भाई माही भाई को एक बार और कप दे दो। ठीक है, और अगर माही भाई भी आउट हो जाते हैं तो मेरा सपोर्ट रोहित भाई को, क्योंकि रोहित भाई अपने नेशनल टीम के कप्तान है भाई, तो कप्तान को नहीं सपोर्ट किया भाई देसी हो गए तो क्या मतलब फिर, मतलब है ना। और अगर रोहित भाई भी बाहर हो जाते हैं तो फिर सपोर्ट मेरा पांड्या भाई को है, क्योंकि पांड्या भाई फ्यूचर कप्तान है। तो ऐसे क्या थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सबके ऊपर है मेरा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इस साल कप नहीं आन दे तो अगले साल आन दे, अरे अगले के अगले साल आन दे, अरे आ जाएगा यार कभी ना कभी तो आ जाएगा। अरे भाई विराट कोहली शुड कंसीडर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम आईपीएल, या फिर सीएसके या मुंबई इंडियंस ज्वाइन कर ले भाई, तेरे वहीं पे फ्यूचर है भाई, आरसीबी में तो ना हो पाई भाई। चलो फटाफट जो है वो वीडियो को चालू करते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी भाई साहब। बार्सा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब नेमार की जो है वो खबर। सो एज पर दी रिपोर्ट्स भाई, एज आई टोल्ड यू गाइस कि भाई नेमार जो है वो क्लब छोड़ करके पीएसजी आपको बहुत जल्दी जाते हुए नजर आएगा। मैनी अदर क्लब्स आर इंटरेस्टेड, बट सबसे ज्यादा पोल पोजीशन में जो है वो न्यूकासल यूनाइटेड है। क्लब का स्टैंड है कि दे सीरियसली वॉन्ट टू भाई साहब बाय नेमार, और दे आर रियली वेरी सीरियस। अब न्यूकासल भी जो है वो ग्रूव में है, न्यूकासल भी चाह रही है कि भाई अपन जो है वो अपनी टीम को जब सुपीरियर टीम बनाए, जैसे धीरे धीरे मैन सिटी का ग्रेजुअल ग्रोथ हुआ आफ्टर कतारी इन्वेस्टमेंट, वैसी न्यूकासल का भी अब धीरे धीरे होगा। तो ये पहला स्टेप होगा एक सुपरस्टार को साइन कर। एंड भाई न्यूकासल इज आल्सो इन यूसीएल फुटबॉल, तो नेमार को यूसीएल फुटबॉल भी गारंटी करेगी न्यूकासल। तो अब देखने वाली बात होगी, विल नेमार एक्सेप्ट दिस न्यूकासल का बिड और नॉट, ये देखने वाली बात होगी। कंसीडरिंग कि वो न्यूकासल है, नेमार माइट थिंक ट्वाइस, बट थिंक ट्वाइस करने वाली बात नहीं है। यूसीएल में द टीम इज लुकिंग वेरी गुड एंड फ्यूचर है स्पोर्टिंग वाइज उस टीम का। मोर ओवर आगे बढ़ते हैं अपन, तो अगली खबर है भाई अर्जेंटीना की जर्सी का, एक एक नजर मार लेते हैं दोस्तों। तो ये अर्जेंटीना की जर्सी लीक हो गई है कोपा अमेरिका के लिए, कोपा अमेरिका के लिए वर्ल्ड कप के लिए अलग होगी। लेकिन यार ये जर्सी में ना मैं देख रहा था कमेंट्स, तो फैंस लोग काफी एक्साइटेड एंड देवर सेइंग कि भाई गजब की जर्सी, गजब की जर्सी। बट ये तो मेरे को थोड़ी सी डाउनग्रेड टाइप लगी, लाइक जो वर्ल्ड कप की जर्सी थी इट वॉज वेरी गुड। हाँ गोल्ड इफेक्ट है ऑब्वियसली, इट्स लुकिंग वेरी सुपर्ब, बट यार थोड़ा सा मतलब सिंपल सा लग रहा है। इट विल लुक गुड अपॉन मेसी, आई नो गिविंग 2010 का थोड़ा थोड़ा सा वाइब्स, माइट लुक गुड ऑन मेसी, बट यार आई एम नॉट क्वाइट दैट इम्प्रेस्ड। मैनी पीपल आर इम्प्रेस्ड, लाइक डू नॉट गेट मी रॉन्ग, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है यार इन सब चीज़ों के बारे में। तुमको कैसी लग रही जर्सी मेरे को बताओ, ठीक ठाक है 2010 वाली वाइब है मैं मान रहा हूँ, बट आई वुड स्टिल कंसिडर वर्ल्ड कप विनिंग जर्सी ओवर दिस जर्सी, दिस वन लुक्स थोड़ा सा ब्लांट टू मी। मोर ओवर अगली क्लिकर जो अवे किट है वो भी जो है वो लीक हो गई है, तो ये प्रॉपर लीक नहीं हुई है बट कलर काइंड ऑफ सा लीक हुआ है, तो ये ब्लूइश कलर के साथ जो है वो इस बार अवे जर्सी जा रही है, थोड़ी सी लाइट ब्लू टाइप जा रही है, जो 2006 के वर्ल्ड कप में पहनी थी अर्जेंटीना और 90s के वर्ल्ड कप में पहनी थी, तो इस थोड़ी सी ब्लूइश कलर के साथ जो है वो उतर रही है, वरना तो इस साल पर्पल था, तो इस ब्लूइश कलर के साथ ये मुझको जो है वो काफी अच्छी लग रही है। तो ये कोपा अमेरिका की थोड़ी जर्सीज जो है वो लीक हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कैसी लगी मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, विल यू गाइस बाय दिस जर्सी और नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है वो खबर गुंडोगान के बारे में, एंड गुंडोगान के बारे में खबर कर लूं यार, तो आप लोगों को पता है एवरीबॉडी नोज दैट कि भाई बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन बाइंग गुंडोगान। अब यहां पे कहानी ये किया जा रही है कि मैनचेस्टर सिटी एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दी गुंडोगान को, तो मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूं कि कहानी क्या थी। तो पहले कहानी ये थी कि उसके टेबल में ना मैन सिटी का भी ऑफर था, बार्सिलोना का भी ऑफर था। नाउ ही वॉज कंसिडरिंग बार्सिलोना का ऑफर ओवर मैन सिटी का ऑफर, बिकॉज बार्सिलोना में उसको 3 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही थी बार्सिलोना, तो उसका फ्यूचर 3 साल तक जो है वो सिक्योर्ड हो जाएगा, 2+1
रन का यहाँ पे कुछ कहानी था। साथ ही साथ बार्सिलोना जो है वो उसको एक इंपॉर्टेंट रोल दे रही थी, बोल रही थी कि तुम हमारे स्क्वाड में इंपॉर्टेंट रोल खेलोगे, हर एक गेम स्टार्ट करोगे। ऑन द अदर हैंड वैन सिटी जो है वो केवल एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रही थी, तो ही वॉज वेरी थिंकिंग ऐसे अबाउट कि मैं कहाँ जाऊँ, लाइक यहाँ पे एक ही साल का मेरा फ्यूचर फिक्स होगा और यहाँ बार्सिलोना में 3 साल का फ्यूचर फिक्स हो जाएगा और यहाँ तो मैं सब जीत ही लिया हूँ, तो लेट्स गो टू बार्सिलोना, ही वॉज थिंकिंग दैट। बट अब मैन सिटी की अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूँ तो ऑफर में 1 साल और का इंक्लूजन जो है वो आ चुका है, 1+1 मैन सिटी भी अब ऑफर कर रही है, यहाँ 2 साल हो गए और यहाँ 3 साल हो गया। सो ही इज थिंकिंग अबाउट दिस 2 साल बिकॉज भाई ऑब्वियसली मैन सिटी इज अ सुपीरियर क्लब देन बार्सिलोना स्पोर्टिंग वाइज भी और अभी भी। साथ ही साथ भाई साहब ही इज अ लेजेंड एट मैनचेस्टर सिटी, ही वॉज द वेरी फर्स्ट साइनिंग ऑफ पेप गार्डियोला, लाइक लेजिट द फर्स्ट साइनिंग ऑफ पेप गार्डियोला वॉज आई के गुंडोगान, एंड गुंडोगान जो है वो अगर क्लब में रहेंगे तो वो लेजेंड बन करके निकलेंगे। तो नाउ ही इज कंसिडरिंग इस मैन सिटी का ऑफर भी बिकॉज ये नया ऑफर आ गया 1+1 ईयर का और बार्सिलोना जो है उसको 3 साल का ऑफर कर रही थी, यहाँ 2 साल और यहाँ पे 3 साल, तो 2 साल का ऑफर को जो है वो कंसिडर कर रहा है। साथ ही साथ एक चीज जो उसको बार्सिलोना अभी भी ऑन टॉप दे रही है और वो है कि एक इंपॉर्टेंट रोल स्क्वाड में, और वो चीज मैन सिटी नहीं ऑफर कर रही है। लाइक मैन सिटी में आपको भी नहीं पता है कि इस सीजन के बाद आप खेलोगे कि नहीं खेलोगे उनके स्क्वाड में। ये मैन सिटी में पेप गार्डियोला ने कई बार किया है, कई सारे लोगों को भगा दिया, खिलाते खिलाते पूरे सीजन भर खेलेंगे और अगले सीजन गायब, बेंच में बैठो, ऐसा हो जाता है। तो अब वो गुंडोगान के ऊपर है, दी बॉल इज इन हिज कोर्ट, वेयर विल ही लाइक टू भाई साहब हिट दैट बॉल, अब वो वहाँ पे जाएगी। बार्सिलोना इज भाई साहब काम ओवर दिस सिचुएशन, दे आर नॉट पैनिकिंग बिकॉज दे पर्टिकुलरली थिंक दैट गुंडोगान विल पिक देयर ऑफर ओवर मैन सिटी का ऑफर, बिकॉज मैन सिटी में वो सब कुछ जीत चुका है एंड ही माइट लुक समथिंग ऐसा नया एडवेंचर टाइप जिसे लेवेंडोव्स्की ने किया, तो ही माइट कंसिडर कमिंग टू भाई साहब यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट दी अदर खबर ऑफ दिस वीडियो, और वो है विनीशियस जूनियर के ऊपर रेसिज्म का जो है वो इंसल्ट। सो रियल मैड्रिड वॉस भाई साहब प्लेइंग विद वेलेंसिया उनके होम स्टेडियम में, लाइक वेलेंसिया के होम स्टेडियम में, और वहाँ पे फैंस लोग जो है वो विनीशियस जूनियर के ऊपर रेसिज्म इंसल्ट कर रहे थे, एंड भाई बहुत ही गंदे तरीके से इंसल्टिंग चल रही थी, इतना ज़्यादा चल रहा था कि भाई वेलेंसिया के प्लेयर्स को जा करके उनके फैंस को बोलना पड़ा कि भाई बस कर लो, हो गया, इनफ इज इनफ, ऐसे करके, मतलब इतना इस गंभीर सिचुएशन हो गया था। इस गंभीरिटी को देखते हुए भाई साहब विनीशियस जूनियर जो है वो बहुत बमक गया था क्राउड के ऊपर, ही वॉज लिटरली ऐसे पिकिंग अ पीपल क्राउड में कि ये मेरे को रेसिज्म इंसल्ट कर रहा है, रेफरी तो कुछ कर इनके बारे में, रेफरी तो कुछ कर इनके बारे में, बट नोबडी वॉज गिविंग एनी एफ्स। मोर ओवर वेलेंसिया के प्लेयर्स भी, कुछ प्लेयर्स भी विनीशियस जूनियर के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हो रहे थे, मारा पीटी कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, एंड आखिरी में तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि विनीशियस जूनियर रेफरी को ये तक बोल रहा था कि अगर ये सब कंटिन्यू होगा तो मैं खेल लूँगा नहीं। आई नो विनीशियस जूनियर भाई इज़ अ वेरी, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, प्रोएक्टिव इन सब सिचुएशन में, लाइक ही बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है समटाइम्स, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ही शुड फोकस ऑन फुटबॉल बिकॉज ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लाइक हमने पहली बार नहीं देखा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो स्टैंड्स में फैन चिल्ला रहे हैं तो यू नीड नॉट टू रिएक्ट टू देम, रिएक्ट करो आप तो अपने गोल्स मार के रिएक्ट करो, अपने पिच में रिएक्शन दो, ये हर बाद में चलते चलते वो कुछ बोल रहा है तो भिड़ जा रहे हो जा करके फैंस से, ये कोई बात नहीं होती है बिकॉज फुटबॉल में ये सब होते रहता है, फुटबॉल्स में फैंस जो अपोजिशन के फैंस रहते हैं वो ऑब्वियसली इंसल्ट करते रहते हैं आपके प्लेयर को। तो विनीशियस जूनियर शुड बी काम एंड कंपोज्ड, ये सब के ऊपर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, बट शायद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गई थी और आखिरी में लड़ाई भी हो गई, तो लड़ाई में वेलेंसिया का कोई प्लेयर जो है वो विनीशियस जूनियर को ऐसे जो है वो लॉक लगा दिया था, एक जॉन सीना टाइप एसटीएफयू वाला, तो वो लॉक लगाने के बाद विनीशियस जूनियर भी एक जापड़ मार दिया थोड़ा सा, जिसके चलते विनीशियस जूनियर को रेड कार्ड मिल गया और जो प्लेयर लॉक लगाया था उसको कुछ मिला ही नहीं, तो विनीशियस जूनियर का पहला रेड कार्ड था, विनीशियस जूनियर वॉज वेरी एंग्री थ्रू आउट द गेम। बट मेरा, मैं फिर से वही कहूँगा, विनीशियस जूनियर को इतना ओवर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन नहीं करना चाहिए, सभी फैंस को जा जा कैसे करने लगे, तो और ना तुम खुद एक चीज़ तुम खुद समझना, ठीक है, इस फुटबॉल में ही इज़ नॉट द फर्स्ट ब्लैक गाय टू प्ले इन ला लीगा, देर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्लैक गाइज प्लेइंग इन ला लीगा, ठीक है, लाइक इवन रूड्रीगर अब रियल मैड्रिड का खुद का प्लेयर है जिसने मैसी को बेलेंडोर में वोट कर दिया था या द बेस्ट में वोट कर दिया था किसी में, तो रियल मैड्रिड के फैंस लोग उसके इंस्टाग्राम में रेसिज्म वाले कमेंट्स कर रहे थे, खुद के टीम के फैंस करें तो खुद के ही प्लेयर के ऊपर तो कुछ नहीं दूसरे के कर रहे हैं तो अलग आग लगी हुई है, लेकिन ठीक है देखना चाहिए, इतना ओवर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ये सब चलते रहता है फुटबॉल, यू शुड फोकस ऑन इस गेम रदर देन जैसे जा के लड़ाई करने से अच्छा तो गेम के ऊपर फोकस करिए, मेरा कहना है। मोर ओवर भाई एक और बात, और किसी में नहीं होता, ये विनीशियस जूनियर पे ही क्यों होता है, क्योंकि विनीशियस जूनियर रिएक्शन देता है, आप रिएक्शन दोगे तो आपको और छेड़ेंगे लोग, आप चुपचाप रहो तो आपको उतना फिर छेड़ना बंद कर देते हैं लोग,
तो अभी विनीशियस जूनियर का लुकआउट है वो क्या करेगा, वी रियली डोंट नो। बट हाँ, एक चीज़ है कि भाई रेड कार्ड वाला कहानी जो है वो मुझको समझ में नहीं आया। अब उसको रेड कार्ड मिल गया, विनीशियस जूनियर को पहला रेड कार्ड उसके करियर का, और उसमें भी वो बेचारा परेशान था इतना उसके बाद भी। तो अब ठीक है, ऑल दो रियल मैड्रिड लॉस्ट दैट गेम, मैं भी ये आपको बता दूँ, तो वेलेंसिया जो है वो भाई साहब अभी रियल मैड्रिड से जीत गए। आखिरी खबर में आते हैं, और वो है मैसी से रिलेटेड खबर, और वो ये है कि हमारे भाई बार्सिलोना के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, मैसी के रिटर्न के बारे में हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूस्टे से पूछा गया कि भाई क्या कह रहे हो आप, अभी कब जीतने के बाद क्या मैसी जो है वो उनको रिटर्न होते हुए दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो यूस्टे सर कहते हैं आई वॉन्ट मैसी बैक, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैसी वापस आ जाए, ब्यूटीफुल स्टोरीज हैव टू एंड वेल, होपफुली ही डिसाइड्स टू कम बैक। अब मतलब आप ये देखें कि भाई यहाँ पे मैसी के कोर्ट में है बॉल, कि भाई साहब वो आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा, होपफुली ही डिसाइड्स टू कम बैक, ये वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है, यानी कि एक ऑफर जो है वो मैसी को सबमिटेड है। मोर ओवर आपको पता है ला लीगा के जो है वो अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं बार्सिलोना, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल एंड अप इन बार्सिलोना, ये समझ में आ रहा है लाइक फ्रॉम द कमेंट्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब अगर हम बात कर लें हमारे बार्सिलोना के डायरेक्टर के बारे में जो मैथ्यू एलमैनी है, उनसे भी पूछा गया, तो वो कह रहे हैं कि लियो इज फिनिशिंग लीग इन फ्रांस, ठीक है, मतलब उसका भी लीग चल रहा है फ्रांस। इट्स टाइम टू रिस्पेक्ट पीएसजी, व्हेन दे विन द लीग वी विल सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे मैनुएल मैनी थोड़ा सा लॉजिकल रिस्पांस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अभी उसका चल रहा है, देखते हैं जब होगा तब देखा जाएगा। सीधी बात, नो बकवास करूँ तो मैसी के पास भी ऑफर रखा हुआ है बार्सिलोना का, ला लीगा के पास तो रखा ही है जो वायबिलिटी प्लान है, एक बार ला लीगा प्रूव कर देगी तो मैसी का ऑफर एक्सेप्ट होता है तो मैसी आपको आते हुए नजर आ जाएगा। यही थी कहानी दोस्तों आज की, मैं चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिससे अच्छे से, प्लीज जय हिंद वंदे मातरम।